इस वीडियो में हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन और होमोजीनस कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग रूल्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है नियमों को लागू करके कुछ ग्राफिक्स को किसी और चीज़ में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, मतलब होता है। वी कैन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सच एज ट्रांसलेशन, स्केलिंग अप और डाउन, रोटेशन, शेयरिंग etc। हमारे पास विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशन, स्केलिंग अप और डाउन, रोटेशन, शेयरिंग इत्यादि। When a transformation takes place on a 2D plane, it is called 2D transformation. जब ट्रांसफॉर्मेशन 2D प्लेन पर होता है तो इसे 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू रिपोजिशन द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन एंड चेंज देयर साइज और ओरिएंटेशन। स्क्रीन पर ग्राफिक्स को बदलने और उनके ओरिएंटेशन के साइज को बदलने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के बारे में। टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सच एज ट्रांसलेशन फॉलोड बाय रोटेशन एंड स्केलिंग। ट्रांसलेशन के बाद रोटेशन और स्केलिंग जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का एक सीक्वेंस करने के लिए होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का उपयोग किया जाता है। वी नीड टू फॉलो अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। हमें एक सीक्वेंशियल प्रोसेस का पालन करने की आवश्यक है और जो है ट्रांसलेट द कोऑर्डिनेट्स, रोटेट द ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स, स्केल द रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। टू शॉर्टन दिस प्रोसेस वी हैव टू यूज 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इंस्टेड ऑफ 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए हमें 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बजाय 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का उपयोग करना होगा। टू कन्वर्ट अ 2x2 मैट्रिक्स टू 3x3 मैट्रिक्स वी हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा डमी कोऑर्डिनेट W। 2x2 मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स में बदलने के लिए हमें एक अतिरिक्त डमी कोऑर्डिनेट W जोड़ना होगा। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट बाय 3 नंबर्स इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स विच इज कॉल्ड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस प्रकार हम बिंदु को 2 नंबर के स्थान पर 3 नंबर द्वारा निरूपित कर सकते हैं, जिसे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। इन दिस सिस्टम वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इस सिस्टम में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सभी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी कार्टेशियन पॉइंट PXY कैन बी कन्वर्टेड टू होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स बाय -PXS, YH एंड H। किसी भी कार्टेशियन बिंदु PXY को -PXS, YH एंड H द्वारा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।